सिंघम, ये सुनने के लिए कान तरस जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील देती है मूवी कि हम उस टाइम में चले जाते हैं जिस टाइम पे अच्छी फिल्में बनती थी। सिंघम इज वन ऑफ दोज फिल्म जिसके बारे में हमेशा अच्छे नोट पे चर्चा हुई है, क्योंकि इंडियन पुलिस के बारे में बात की जाती है, हमारी पुलिस किस तरीके से लोगों की सेवा करती है इसके बारे में बात की जाती है, और रोहित शेट्टी को मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में कोई ना कोई पुलिस की तरफ से वो पदवी तो मिल ही जाएगी इतने अच्छे से पुलिस को दिखाने के लिए, क्योंकि रोहित शेट्टी की अभी तक की मैं बोलूँगा ये सबसे बड़ी हिट हो सकती है। जी हाँ, बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन मीनिंगफुल है। जब आप ये फिल्म देखने जाओगे लिटरली माइंड में कुछ रख के मत जाना, 1% भी कुछ रख के मत जाना। जिन्होंने ट्रेलर देखा है वो ये तो समझ ही जाएंगे कि किस तरीके से इस फिल्म को रामायण के साथ अमलगामेट किया गया है। दैट अमलगामेशन इज जस्ट बेस्ड ऑन द स्टोरी, कि एक मतलब रामायण की स्टोरी को मॉडर्न डे में आज के यूथ के सामने किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो है। और अगर तुम दिवाली के माहौल में जा रहे हो तो ये फिल्म तुम्हें और रिलेटेबल लगने लगती है। मोर ओवर अच्छी चीज़ ये है कि हिंदू धर्म को और आगे लेके जाने की बात की जाती है इसी फिल्म को देखने के बाद। तुम लोग कहोगे कि नई ऑडियंस अप्रोच करने के लिए ये एक सब्जेक्ट जो अनटच था, बिकॉज रामायण बनती रही है हमारे यहाँ पे, रामायण को हमेशा कोई ना कोई अपने रूपांतर के साथ बनाता आया है, लेकिन ये रूप बिल्कुल यूनिक था, मज़ेदार था और डिफरेंट था। इसके अंदर तुम्हें भर भर के, अब मैं क्या बोलूँ, कैमियोज देखने को मिलेंगे या फिर भर भर के स्टार्स देखने को मिलेंगे। टाइगर श्रॉफ एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो एक्चुअली अजय देवगन के कैरेक्टर को बांधता है, एंड सरप्राइजिंगली टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर मुझे वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स लगा इस मूवी में, अपार्ट फ्रॉम अजय देवगन। अजय देवगन को हम वर्दी में देखते हैं तो हमें ऐसा फील आता है कि हमारे देश की पुलिस भी ऐसी ही रोबदार है, और इन्हें देखने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हाँ यार, दम तो है, वो है ना क्या कहते हैं, जिसमें है दम फक्त बाजीराव सिंघम, वो वाली बात तो है। अजय देवगन ने मतलब इस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज करी है, और नो डाउट ये एक बड़ी स्टारकास्ट के साथ बनाई गई मूवी है, तो कुडोज टू रोहित शेट्टी कि इतनी बड़ी स्टारकास्ट को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं इसे इंडिया का कॉप अवेंजर भी बोल दूं तो वो शब्द छोटा होगा, बिकॉज बहुत 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 ही ज़्यादा वाइब्रेंट है ये मूवी। जब तुम जाओगे तुम्हारी 1% भी निगाह इधर की उधर नहीं होगी, तुम कुछ और नहीं सोचोगे, तुम ये सोचोगे कि अगर मैंने स्टार्ट टू एंड अगर एक भी सीन मिस कर दिया होता तो आई वुड हैव मिस्ड एन एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द फिल्म। तो इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि इसमें एक ऐसा स्पेशल कैमियो है जिसके बारे में शायद तुम्हें पता भी है, हुड़ हुड़ करके कुछ नहीं करके बताऊंगा तुम्हें मैं, तुम जाके देखो वो सरप्राइज, तो तुम थिएटर में जाके देखो वो, शायद इस फिल्म को देखने के लिए मेरा एक इकलौता रीज़न बन सकता है कि हाँ मैं उस एक कैमियो को देखने के लिए ही थिएटर चला जाऊंगा। ये इतनी बड़ी फिल्म है, और रोहित शेट्टी को एक्चुअली मैं दाद देता हूँ भाई कि ये क्या बना दिया, एक्शन कि एक अलग पराकाष्ठा को छू कर आए हैं रोहित शेट्टी इस फिल्म के साथ। अगर तुम्हें एक्शन देखना है, मास एंटरटेनर बोलूँगा, फैमिली एंटरटेनर बोलूँगा, बिल्कुल साफ सुथरी मूवी, और लिटरली जो यूथ है उसे रामायण के क्लोज लेकर जाने वाली फिल्म मुझे ये लगती। बड़े पर्दे पे एक्चुअली ये फिल्म दिवाली का धमाका बोल सकते हैं, और दिवाली के टाइम पे इस सब्जेक्ट पे मूवी आना मुझे अच्छा लगा। मॉडर्न डे रावण के तौर पे आपको अर्जुन कपूर देखने को मिलेंगे, एंड आई थिंक अर्जुन कपूर को इस फिल्म के बाद नेगेटिव रोल्स और ऑफर हों तो कोई बड़ी बात नहीं लगती मुझे, बिकॉज अगर रोहित शेट्टी अर्जुन कपूर से काम निकालने में इतने सक्षम है ना, तो भाई अर्जुन कपूर को इस फिल्म से बहुत लर्निंग मिली होगी एज एन एक्टर, बिकॉज पहले उनको इतना ज़्यादा एक्टिंग के लिए सराहा नहीं जाता, बट ये फिल्म देखने के बाद लिटरली उन्हें एज ए नेगेटिव करेक्टर पुश किया जा सकता है इंडस्ट्री के अंदर। आपको क्लाइमैक्स के अंदर जिस लेवल का एक्शन देखने को मिलेगा, क्या ही बात है। तुम लोग बाहर आओगे और बाहर आके ये जरूर बोलोगे कि भाई हम कुछ ऐसा देख कर आए हैं जिसने ना तो सिर्फ सीटें हिला दी थिएटर की, एक बार के लिए तो भाई हमें हिला दिया, इतना जबरदस्त एक्शन हमने देखा। रोहित शेट्टी एक्शन के लिए जाने जाते हैं, और इस फिल्म को अगर मैं एक्शन के ऊपर रेट करूंगा तो मैं 515 दे सकता हूँ, लिटरली 515 दे सकता हूँ। और तुम्हें पता है
मेरे पिछले रिव्यूज की अगर तुम बात करो तो मैंने जिंदगी में किसी को 5 नंबर नहीं दिए। लेकिन अगर मैं इस फिल्म के डायलॉग्स की बात करूं, बहुत अच्छी डायलॉग राइटिंग करी गई है, मोर ओवर एंटरटेनमेंट पैकेज है, तो उस लेवल पे ये फिल्म 4.5-4 के करीब जाके खड़ी हो जाती है, तो मतलब एक बड़ा नंबर है। म्यूजिक की जहां तक बात आती है, म्यूजिक गुड इनफ, जिस तरीके का सिंगम का म्यूजिक होता है गुड इनफ, तो वो भी कहीं ना कहीं 4.5-4 के बीच में बैठ जाता है। तो अगर तुम मेरे से एवरेज ओवरऑल रेटिंग पूछोगे इस फिल्म को देखने की एंटरटेनमेंट पैकेज एज अ होल पैकेज के तौर पे, तो इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलते हैं 4.25 स्टार। 4.25 बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। एक फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका 500,000-2,000 रुपया लगा हुआ वैल्यू फॉर मनी लगे। तो भाई अगर तुम जाओगे, पैसे खर्चोगे, चाहे वो दीपिका पादुकोण का करेक्टर हो, चाहे वो अक्षय कुमार की एंट्री हो, वैसे अक्षय कुमार को एक फिल्म कर ही लेनी चाहिए, हेलीकॉप्टर एक प्रेम कथा, लिटरली मतलब वो अलग ही प्यार है भाई, वो तुम देखोगे ना तुम्हें मज़ा ही आ जाएगा फिल्म देख के अक्षय कुमार फिर से हेलीकॉप्टर पे आते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यू आर एक्चुअली गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट ऑन दिस दिवाली। दिवाली पे घर पे पटाखे चलाओ या ना चलाओ, दैट इज टोटली ऑन चॉइस, लेकिन तुम्हारे को थिएटर में पटाखे जरूर फील होने वाले हैं जब ये तुम फिल्म देखने वाले हो। और दिवाली पे फैमिली के साथ जाके थिएटर में अच्छी फिल्म देखने को मिल जाए, इससे बेटर क्या होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैप्पी दिवाली, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।